हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये आजकल हर जगह कॉमन प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत सारे लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, लेकिन उनका वेट गेन ही नहीं हो रहा। कहीं लोग अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो कहीं अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपना वजन बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो इस हेल्पफुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इंसान को कम से कम हेल्दी होना चाहिए। ज्यादा मोटापा भी इंसान के लिए ठीक नहीं है और ज्यादा वीकनेस भी ठीक नहीं है। ज्यादा वीकनेस और ज्यादा मोटापे से इंसान में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उनसे जान छुड़ाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इन खतरनाक बीमारियों से बचें, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, वेट गेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना वजन बढ़ा लेना है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाना है। फ्रेंड्स, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपना वेट एक नॉर्मल वे में लेकर आना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह मोटापे की वजह फैट्स होते हैं, इस तरह अगर हम अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फैट्स इस्तेमाल करने होंगे। फ्रेंड्स, फैट से आपका वजन नहीं बढ़ता, बल्कि आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। देखने में तो आप हेल्दी लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा वीक हो चुके होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डाइट बैलेंस रखेंगे तो ना आप ज्यादा मोटे होंगे और ना ही आप ज्यादा पतले होंगे। अब बैलेंस डाइट क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मेन चीजें जो आपको वेट गेन के लिए चाहिए, उनमें शामिल है प्रोटीन। अब प्रोटीन आपको कैसे मिलेगा? आप अंडा खाना शुरू कर दें, गोश्त खाना शुरू कर दें, हो सके तो फिश भी खाएं। ज्यादा स्पाइसी ना खाएं और ऑयली भी ना खाएं, बल्कि आप हेल्दी फूड खाएं। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड कर लें। फ्रेश फ्रूट से होगा क्या, इससे आपका वेट भी बैलेंस रहेगा और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी। दोस्तों, अगर आप बैलेंस डाइट लेते रहेंगे तो ना ही आप ज्यादा मोटे होंगे और ना ही ज्यादा पतले होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे हो सके तो आप फास्ट फूड का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि टीनेज में तो ऐसे खाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो इन फास्ट फूड की वजह से आपकी बॉडी में कोई आयरन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बुढ़ापे में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट फूड को अपनी लाइफ से निकाल ही दें, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बैलेंस डाइट यूज करें, फ्रेश फूड्स खाया करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, और दोस्तों, अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट में चाय की जगह आप मिल्क शेक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, मिल्क शेक आपने सिर्फ तब यूज करना है जब आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हो। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपने मिल्क शेक यूज नहीं करना, क्योंकि मिल्क शेक की वजह से आपका वजन कम नहीं बल्कि ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप हेल्दी चीजें ज्यादा खाया करें, हो सके तो ड्राई फ्रूट्स लाजमी खाया करें, अगर ज्यादा ना हो पाए तो खजूर का इस्तेमाल ही कर लिया करें। दोस्तों, मिल्क का इस्तेमाल आप डेली किया करें, इससे आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अपना वजन बढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। दोस्तों, ये गलती हरगिज ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज सिर्फ वजन को कम करने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए की जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी को एक्टिविटी करने की आदत हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ज्यादा थकान महसूस नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी वजह से आपको भूख भी लगेगी, जिसकी वजह से आप खाना भी अच्छी तरह खा पाएंगे और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, वो आप सिर्फ वेट लॉस करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वेट गेन करने के लिए आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, मैं दरअसल अनहेल्दी फैट्स की बात कर रही थी, जो कि फास्ट फूड में पाए जाते हैं, लेकिन आपने हेल्दी फैट्स लेने हैं। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, हेल्दी फैट्स वो होते हैं जो हेल्दी चीजों में पाए जाते हैं, जैसा कि फिश, वॉलनट, नट्स वगैरह में। हो सके तो इनका इस्तेमाल शुरू कर दें, इसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए फॉर वेट गेन। फ्रेंड्स, आई प्रीटी श्योर अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आप आसानी से अपना वेट गेन कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।